हेलो गाइस, सो निफ्टी 50 के क्विक एनालिसिस में फिर से आपका स्वागत है। तो मार्केट ने आज क्या किया? मार्केट ने आज एक डबल बॉटम बनाया, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे डब्लू पैटर्न भी कहते हैं। सो ये डब्लू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है, और चूंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है यहाँ से, तो हमारा जो एसएलस है वो अब सेलर्स को एसएलस को हंटिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सेलर्स के एसएलस कहाँ कहाँ पे हैं? तो मैंने एक एरिया ये मार्क करके रखा है, ये सेलर्स का ये एक एसएलस है, एसएल एरिया। सो कल हम लोग का मार्केट इस एरिया में ओपन दिख सकता है, 17,400 के 450 के अराउंड में हम लोग का मार्केट ओपन दिख सकता है। ये जैसे यहाँ पे हंट करेगा कल एसएलस, वापस से बाउंस बैक करेगा ये। ठीक है, ये पूरा जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ से ओपन होता है ना, वापस से बाउंस बैक करेगा इस एरिया से, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न में हम लोग ये विक को भी देखते हैं, विक को भी फॉलो करते हैं। और यहाँ से ये यहाँ जाएगा, उसके बाद वापस से ये ट्राई कर सकता है, जो अबव लेवल के एसएलस है ना, ये एसएलस को भी ट्राई कर सकता है। और यहाँ से कंप्लीट रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट फॉल होगा, ये बायर्स के एसएलस को लेगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा ये एनालिसिस है आज। सो कल मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो हम लोग को सेल के लिए प्लानिंग करना है, यहाँ पे बाई नहीं करना है। बाई हम लोग को कहाँ करना है? बाई अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस जोन पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग को बाई करना है। ठीक है,